वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, दिस इज़ प्रसन्नजीत दास एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एज वेल एज माय फेसबुक पेज। आज से हम करने वाले हैं क्लास 10 यानी HSLC एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट पेपर प्रैक्टिस इंग्लिश सेक्शन का सेक्शन डी, इंग्लिश सब्जेक्ट का सेक्शन डी। आई होप यू पीपल विल लाइक इट। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन भी किया है और आगे और भी वीडियो में अपलोड करता रहूँगा। विद द फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन डी स्टार्ट्स विद द डिटरमिनर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिड यू बाय डैश बुक्स। नॉर्मली डिटरमिनर्स में वो क्या कहते हैं ऑप्शन दिया जाता है, बट अभी आजकल टेस्ट पेपर्स में नहीं दिया जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जनरली हम क्या लगाते हैं, एनी। डिड यू हैव एनी बुक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ वेरी, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ही इज़ वेरी इल बट स्टिल देयर इज, अगर ये दो शब्द हटा दिया जाए, ही इज़ वेरी इल बहुत बीमार है, दैट मीन्स नेगेटिव है, यानी देयर इज नो होप ऑफ हिज रिकवरी। नो माने नेगेटिविटी, यानी आ जाता है लिटिल। बट अगर देखा जाए यहाँ पर, बट स्टिल लगा है, बट वर्ड लगाने के बाद क्या बोल रहा है, ही इज़ वेरी इल, फिर भी, दैट मीन्स चांसेस है, सेंटेंस बोल रहा है पॉजिटिविटी। सो आंसर हो जाएगा ए लिटिल। सो देयर इज अ लिटिल होप फॉर हिज और ऑफ हिज रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, डैश असम ट्रिब्यून। असम ट्रिब्यून इज ए नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, सो आर्टिकल द लगा था ना, जब भी न्यूज़पेपर का नाम, पहाड़ों का नाम, नदियों के नाम, ओशंस के नाम, सी के नाम ऐसे आते हैं तो आर्टिकल द लग जाता है। फिर आया देयर आर ओनली एक्सप्रेसेस पॉजिटिविटी। अगर फ्यू एफ यू द फ्यू का सीरीज है तो एफ यू आएगा, लिटिल ए लिटिल द लिटिल का सीरीज है तो ए लिटिल होगा। क्योंकि मैंने आपको पूछा यार थोड़ा पैसा दो ना, तुमने कहा यार पैसा है नहीं, बट थोड़ा ओनली इसका मतलब है, जैसे ओनली बता दिया इसका मतलब पॉजिटिविटी है, देयर आर ओनली, दैट मीन्स सर आर भी बता रहा है कि पॉजिटिव ये प्लूरल है और ये ओनली बता रहा है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। सो आ जाएगा फ्यू, क्यू एफ यू, क्योंकि पेंस के बारे में बात हो रही है, पेंस हो गया काउंटेबल, तो हम यहाँ पर लगाएंगे एफ यू। अगर यहाँ पर वाटर होता, इमोशन होता, लव होता, जो इज अनकाउंटेबल मेजरेबल होता, तो हम लोग ए लिटिल चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीपोजिशन। नाउ प्रीपोजिशन का पहला क्वेश्चन, द बॉय इज वेरी मच अफ्रेड। अफ्रेड ऑफ इज अ वर्बल फ्रेज, जनरली इसी के साथ होता है ये, तो आगे और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अफ्रेड ऑफ मैथमेटिक्स, डू नॉट बी ब्लाइंड। नाउ ब्लाइंड में कई ऑप्शन आते हैं, एक ब्लाइंड विद, एक ब्लाइंड इन, एक होता ब्लाइंड टू। अगर किसी चीज की अनदेखा कर रहे हैं हम लोग तो ब्लाइंड टू। सपोज डू नॉट बी ब्लाइंड टू योर ओन मिस्टेक्स, अपने गलतियों के प्रति अंधा यानी आंखें बंद करना, ये नेचुरल आंखें बंद करना नहीं है, ये आंखें हो गया लाइक यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू, अपने गलतियों के प्रति अनदेखा मत करना, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्लाइंड टू। जब भी ब्लाइंड विथ होता है वो हम लोग एक्सीडेंटल ब्लाइंडनेस, अगर वो जन्म से अंधा है, जन्मांध है, तो हम लोग लगाएंगे ब्लाइंड इन, अगर एक्सीडेंटल होते हैं तो ब्लाइंड विद। नॉर्मली यहाँ पर हम लगाते हैं क्योंकि ये वो नेचुरल आँख ना देखने वाली सेंटेंस नहीं है, ये हो गया आँख से ना देखने वाली बात नहीं है, दिस इज समथिंग लाइक ब्लाइंड टू, यानी अनदेखा करना, हमें अपनी गलतियों से अनदेखा नहीं करनी चाहिए, गलतियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, रमेंस फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, उसकी सक्सेस पर कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो इट्स अ सिंपल वर्ब फ्रेज, कंटिन्यू करते हैं। द पुअर स्टूडेंट्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इज अ वर्बल फ्रेज, इलेक्शन नहीं, स्ट्राइक के दौरान यू मे सी के एक पोस्टर छाप दिया जाता मार्केट में कि ऑब्जर्व 24 आवर्स बन, 48 आवर्स बन, लेकिन नीचे देखना एन भी लिखा होगा, नोट बिलो जहाँ पर लिखा होता है मिल्क सप्लाई, मेडिसिन सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द स्ट्राइक, यानी छुटकारा पाना। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास पे बुलाया गया, NCC करना, ये भी मार्च पास करना, या स्पोर्ट्स क्लास में बुलाया गया, तबीयत ठीक ना होने के कारण यू हैव रिटन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल के सर काइंडली एग्जेम्प्ट मी फ्रॉम द क्लास, तो हो गया एग्जेम्प्ट फ्रॉम, इट्स अ वर्बल फ्रेज। नेक्स्ट आया हमारा क्वेश्चन हो गया करेक्टेंस। नाउ करेक्टेंस का क्वेश्चन पहला हो गया, प्लीज़ इन्फॉर्म मी एज सून एज योर फादर कम बैक। नाउ नॉर्मली क्या होता है, हम प्लीज़ इन्फॉर्म, या सेंटेंस एडवर्ब या वर्ब से शुरू होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस हम नॉर्मली इधर क्या लगाते हैं, कंटिन्यूअस टेंस या फिर इंडेफिनिट टेंस।
अभी सेंटेंस के मीनिंग देखो, मीनिंग देखकर मालूम होगा ये एक इम्परेटिव एग्रीमेंट है। दैट मीन्स प्लीज इन्फॉर्म मी, मुझे खबर करना जैसे कि तुम्हारे पिताजी आ जाए। इसे कहते हैं एग्रीमेंट, दैट इज कंडीशनल। एंड कौन सा कंडीशनल है ये? इम्परेटिव कंडीशन। तो आ जाएगा यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एज सून एज योर फादर कम्स बैक, जैसे कि पिताजी आ जाए, कम्स बैक। इसे कहते हैं कंडीशनल, कौन सा? इसे इम्परेटिव कंडीशन कहते हैं, यानी इम्परेटिव सेंटेंस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स किल इन द बैटल। नाउ बहुत सारे सोल्जर्स किल इन द बैटल। नाउ क्वेश्चन आया, हम कैसे समझे? इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। नॉर्मली करेक्ट टेंस पर आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये कौन सा टेंस का होता है। लगे यहाँ पर जब आइडेंटिफिकेशन ना हो तो पहला टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको लगा दो। सो मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स किल इन द बैटल। किल वर्ड याद रखना, मर्डर, किल और असैसिनेशन। किल यानी मारना बट इन सेल्फ डिफेंस, मर्डर यानी प्लान करके मारना, असैसिनेशन पॉलिटिकल ग्राउंड में मरना, या फिर मरना या फिर मारना। दैट मीन्स हमारा हो गया किल, सोल्जर्स मारे जाते हैं। और अगर मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव बनाऊं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है जो रोज होता है। क्या रोज रोज मारे जाते हैं बैटल में? नहीं। या बैटल रोज होता है? नहीं। दैट मीन्स मुझे किसी पास्ट की घटना को लेकर जाना है। तो हो जाएगा मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस वेयर किल्ड। मीनिंग करेक्ट होना चाहिए, वेयर किल्ड। नेक्स्ट हो गया नरेशन। नरेशन पे हो गया द गर्ल सेड। जब भी क्वेश्चन मिले तो देखना ये डायरेक्ट स्पीच है ना इनडायरेक्ट स्पीच है। ये कॉमा इन्वर्टेड में आया, दैट मीन्स डायरेक्ट है। उसके बाद देखो ये पास्ट टेंस है कि नहीं है। अगर पास्ट टेंस है तो ही चेंज होगा। सेड इज अ पास्ट टेंस, दैट मीन्स वी हैव टू गो फॉर द चेंज। उसके बाद देखो स्पीकर कौन है? द गर्ल। लिसनर कौन है? फादर। मेल फीमेल। अब इधर आ जाओ, स्पीकर को कहते हैं आई मी माई माइंड। इस इन्वर्टेड कॉमा में आई मी माई माइंड ढूंढो, ये रहा माई, दैट मीन्स ये स्पीकर है। लिसनर को कहते हैं यू एंड योर, ढूंढो यू, ये लिसनर है। अभी क्वेश्चन बनाओ सेड, ये सेड है पास्ट टेंस। अब ये सेड चेंज होकर कभी टोल्ड बनता है, कभी आस्क बनता है, कभी ऑर्डर बनता है, कमांड बनता है। ये चेंज डिपेंड करता है विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज। डिड यू, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी पूछा गया। सो द गर्ल आस्क्ड हर फादर। नाउ द गर्ल आस्क्ड हर फादर, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस विद ऑक्सिलरी वर्ब। इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन मार्क दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डब्ल्यू एच क्लोज, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इससे होता है। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब से। जब से ऑक्सिलरी वर्ब से इंटरोगेटिव हो तो इफ या वेदर लगाओ। उसके बाद डू, डास, डीड से कोई भी इंटरोगेटिव क्वेश्चन नरेशन बने तो इसको भूल जाओ, सोचो ये है ही नहीं। इमेजिन करो सब्जेक्ट क्या है, यू इनवाइट। यू माने लिसनर, लिसनर माने फादर, फादर माने मेल, मेल मतलब ही। नाउ डीड मतलब पास इनफिनिट टेंस, जो चेंज होकर बनता है पास परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, व्हाट इज द वर्ब? इनवाइट, दैट विल बी इनवाइटेड। माय, दैट मीन्स स्पीकर, स्पीकर माने गर्ल। हर फ्रेंड राधा फॉर द पार्टी, दैट्स इट, आंसर इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच पे कंजंक्शन ढूंढो। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू, ये रहा कंजंक्शन, दो टुकड़ा कर दो। और ये वर्ब हमें बता रहा है कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है? वर्ब से। तो पहले स्पीच बनाओ, द मास्टर सेड, क्योंकि पास्ट टेंस है, सेड टू द सर्वेंट। मास्टर सेड टू द सर्वेंट, कोमा इनवर्टेड कोमा, क्योंकि इम्परेटिव है। वेरी सिंपल, टू हटाओ, आंसर खत्म। गो अवे फ्रॉम, नाउ ये देर, देर क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। कहाँ से आया? हेयर से चेंज होकर देर बना। गो अवे फ्रॉम हेयर, दैट्स इट। नेक्स्ट, नाउ वॉइस चेंज। माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। जब भी वॉइस चेंज मिले सबसे पहले सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब को ढूंढना है। कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर लिखा हुआ हैज़? जैसे हैज़ मिला तो, और हैज़ मिला और हैड मिला, ये परफेक्ट टेंस हो गया। लेकिन याद रखो हैज़ और हैव मिलते ही हमें बीन ढूंढना है। अगर बीन है तो वो पैसिव है, बीन नहीं है तो वो एक्टिव है सेंटेंस। दैट मीन्स बीन है, ये पैसिव है। ये एप्लीकेबल सिर्फ वॉइस चेंज में है, मतलब ये फॉर्मूला जो बता रहा हूँ ये वॉइस चेंज में काम आएगा। तो बीन आ गया, ये पैसिव है। पैसिव का फॉर्मूला हो गया ऑब्जेक्ट, हैव, हैज़,
बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय एंड सब्जेक्ट कहाँ पर है? माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड बाय होम, नॉट मैंशनड, तो बाय समवन, कौन चोरी किया ये तो मुझे मालूम नहीं है, तो बन जाएगा अननोन सब्जेक्ट के लिए बन जाएगा समवन। कभी कभी हम लोग दे भी दे यूज़ करते हैं, दे करेंगे तो हमें लाइक बताना पड़ेगा कौन है, हमें मालूम है, समवन मुझे मालूम नहीं, बिकॉज जो चोर पॉकेट चोरी करता है यानी पैसे चोरी करता है, पर्स मारता है, उसको थोड़ी हम पहचानेंगे ये जानेंगे, क्योंकि कौन मार के चला गया मालूम ही नहीं पड़ेगा। सो अननोन पर्सन, सो व्हाट हैपन्स, क्या आ जाता है, समवन। परफेक्ट टेंस हो गया एक्टिव का, सब्जेक्ट हैवन हैज़ हो गया हैज़, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया पिक्ड, समवन हैज़ पिक्ड, देन आया माई पॉकेट, वेरी सिंपल। अभी सेंटेंस देखा जाए, क्वेश्चन में हैज़ और बिन है, नीचे भी हैज़ है, हैज़ यानी परफेक्ट टेंस, हैज़ और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एक्टिव, हैज़ एंड बीन पैसिव। नाउ डू यू टेक टी, डू यू टेक टी, वेरी सिंपल, डू जहाँ पर मिल जाए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस एक्टिव है, डू मिल जाए तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है वो भी एक्टिव, क्योंकि डू किसी सेंटेंस में आता ही नहीं, और तो डू मिल जाए तो पहले इसको भूल जाओ, सोचो ये सेंटेंस में है ही नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अभी फॉर्मूला क्या आया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पैसिव क्या बना, ऑब्जेक्ट टी एम इज आर इज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टेकन, देन बाय, सब्जेक्ट आया यू, टी इज टेकन बाय यू, क्वेश्चन मार्क लगाओ। अभी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इस ऑक्सिलरी को उठाकर आगे लेकर आ जाओ, बन गया इंट्रोगेटिव, इज टी टेकन बाय यू, वेरी सिंपल। नाउ आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना काफ़ी प्रकार का सेंटेंस बन सकता है, काफ़ी प्रकार का आंसर बन सकता है कॉम्बिनेशन में, फिर भी जो ज़्यादा कॉमन है उसी को यूज़ करना, जो करेक्ट है उसी को यूज़ करना है, हम ये नहीं बोल सकते कि वो स्पोकन लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर सकते, बट डिफरेंट आंसर आता है। फॉर एग्जांपल, राहुल इज़ इंटेलिजेंट, सुदीप इज़ इक्वल इंटेलिजेंट, दो व्यक्ति अलग अलग दो सब्जेक्ट का, दोनों का पॉजिटिविटी भी लिखा जा रहा है, तो वेरी सिंपल बोथ से यूज़ कर दो, बोथ राहुल एंड सुदीप, तो प्लूरल हो गया, हो जाएगा आर इंटेलिजेंट, इक्वली इंटेलिजेंट, इक्वली इंटेलिजेंट। नेक्स्ट, आई नो बॉय, द बॉय यू हेल्प्ड हिम यस्टरडे, नाउ इस सेंटेंस में दो अलग अलग सब्जेक्ट है, आई एंड यू, इधर हो गया आई, इधर हो गया यू, बोथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका कई प्रोसेस है, जैसे आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा, इसका फॉर्मूला नया एक्सप्लेन करूंगा, मैं एक नया कॉम्बिनेशन का वीडियो बनाऊंगा। आई नो द बॉय, जब एक पर्सन के बारे में इस सेंटेंस में और उसी पर्सन के बारे में इसी दोनों सेंटेंस में बोला जाए, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हैं, हु या फिर हुम, तो आएगा आई नो द बॉय हुम यू हेल्प्ड यस्टरडे, ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, दो यू हेल्प्ड यस्टरडे, आई नो द बॉय, दो अलग अलग सेंटेंस को कंबाइन कर दिया, किस चीज़ से, ये रिलेटिव कंजंक्शन से, ये रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करके हम बना सकते हैं। आगे, आवर टीचर गेव आस सम यूजफुल, नाउ गौर से देखो, एक एडवाइस, इधर भी एडवाइस, सी ई नाउन है, एस ई वर्ब है, अभी सेंटेंस में नाउन चाहिए ना वर्ब चाहिए, वो डिपेंड डिसाइड करने के लिए पहले सेंटेंस में वर्ब है कि नहीं वो ढूंढ लो। आवर टीचर गेव, ये रहा वर्ब, दैट मीन्स वर्ब मेंशन हो चुका है, तो अभी आएगा एडवाइस सी ई, वेरी सिंपल, ये हो गया एकदम इजी प्रोसेस। अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो हम लोग इस वर्ब को यूज़ करेंगे, सेंटेंस में वर्ब ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है तो सिंपल नाउन को यूज़ करना है। वल्ली गेव सम कॉइन्स एज हर बस फेयर और फेयर, एफ ए आर ए फेयर किराया, FAIR फेयर एक जस्टिस होता है, एक फेयर गोरापन होता है, और यही फेयर स्पेलिंग आगे मेला भी होता है, तो इसमें ना ही गोरापन के बारे में बात हो रही है, ना जस्टिस के बारे में बात हो रही है, ना ही मेला के बारे में बात हो रही है, तो हम बात कर रहे हैं अभी फेयर, भाड़ा यानी किराया। नाउ मेक सेंटेंसेस, लुक आफ्टर देखभाल करना, ख्याल रखना, किसी को ख्याल रखना, सपोज वी लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, तो वी लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, हम ये भी लिख सकते हैं आवर पेरेंट्स लुक आफ्टर अस, वी शुड लुक आफ्टर ईच अदर, बस देखभाल करना, ध्यान रखना। ऑल इन ऑल यानी ऑन द होल, इस साल 2021 कैसा गया, देखा जाए तो ठीक ही गया,
ऑल इन ऑल इट्स बीन अ गुड ईयर। तो जॉब करते हुआ कैसा गया? इट्स बीन अ गुड एक्सपीरियंस ऑल इन ऑल। तो इस प्रकार के हम लोग यूज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल इन ऑल इट्स बीन अ गुड एक्सपीरियंस, ये भी हम बोल सकते हैं। अच्छा अनुभव था एक, इन दिस पे हम लिख सकते हैं। अभी इट्स बीन का मतलब है इट हैज़ बीन, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। इट हैज़ बीन, इट्स बीन मतलब इट्स, इट इज़ भी होता है, इट्स भी होता है, इट हैज़ भी होता है, डिपेंड करेगा ये। इससे हम लोग आइडिया लगाना होता है कि कौन सा टेंस आगे यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, गेट रीड ऑफ यानी छुटकारा पाना। सो आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई, बताओ अभी किससे छुटकारा पाना चाहते हो, माई बैड हैबिट्स और माई स्टूपिड फ्रेंड्स, या फिर जो जिससे छुटकारा पाना चाहते हो वो लिख लो। सो आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई बैड हैबिट्स, दैट्स इट, खत्म, मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस करेक्शन। रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया है, बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस वहाँ पर है, आप देख सकते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन ऑल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। अभी देखो अल्फाबेट्स का मतलब क्या है, 26 लेटर के जो सेट आता है उसी को तो अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स, अगर मैं ए बी सी लिखूं तो दे आर नॉट अल्फ़ाबेट्स, नीदर दे आर अल्फ़ाबेट, ये हो गया लेटर्स। जब सेट कंप्लीट होगा तब जाकर हम बोलेंगे कि ये अल्फ़ाबेट है। तो देर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तब जाकर हम उसको बोलेंगे अल्फ़ाबेट, जब सेट कंप्लीट होगा। तो अल्फ़ाबेट्स हो ही नहीं सकता, तो हो जाएगा इसका एस हटा दो, अल्फ़ाबेट। देर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। नाउ द ओल्ड मैन हैज़ 3 सन इन लॉस। अगर मैं बोलूँ किसी का नाम है, ये हो गया 3 यानी प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं, प्लूरल, तो किसके बारे में बात हो रही है, लो 3 हैं या लड़के 3 हैं, सन इन लो 3 हैं, तो हम टॉकिंग अबाउट सन। तो एपोस्ट्रोफीस हम कब लगाएंगे, ये एपोस्ट्रोफीस कब लगाएंगे, जब नाम कंप्लीट होगा। अगर मैं लिखूँ से मोहित शर्मा, तो मोहित शर्मा के पिताजी के लिए मोहित शर्मा फादर और मोहित शर्मास फादर, दैट मीन्स जब नाम कंप्लीट होगा तब लगाएंगे हम लोग। तो नाम कंप्लीट इसका किसके बारे में बात हो रही है, मोहित शर्मा के बात हो रही है। हाँ यार, लो का मतलब क्या, रिश्ता, कानून, कानूनन जो होता है, हम तो लड़के के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वी हैव सन्स इन लॉ, ये हाइफ़न और ये ना हमें लगाना है, सन्स इन लॉ। नेक्स्ट, अर्जुन इज स्टडिंग इन हिज रूम फॉर ए लॉन्ग टाइम। वेरी सिंपल, सिंस एंड फॉर जब होता है, फॉर इन टाइम इंडिकेट कर रहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। यहाँ पर लिखा है इज स्टडिंग, तो आंसर हो जाएगा अर्जुन हैज़ बीन स्टडिंग, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्शन स्टार्टेड अर्लियर स्टिल गोइंग ऑन, कैसे मालूम पड़ा, सिंस और फॉर जब टाइम को इंडिकेट करे तब जाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी गो टू स्कूल बाय फुट। बाय फुट नहीं होता, बाय व्हीकल होता है, पैदल चलना ऑन फुट होता है, पैदल चलना ऑन फुट। और अगर व्हीकल से जाते हो, बाय कार, बाय ठेला, बाय ऑटो रिक्शा, बाय जो भी जाना जैसे जाते हो जाओ। आई शैल नॉट गो अनलेस ही डज नॉट, अनलेस और अनटिल जब सेंटेंस में आ जाता है वो इटसेल्फ नेगेटिविटी एक्सप्रेस करता है, तो वी डोंट हैव टू यूज अनदर नेगेटिविटी इन द सेंटेंस। सो आई शैल नॉट गो अनलेस ही डज नॉट, हटा दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो अनलेस ही रिटर्न्स, बिकॉज ये डज है तो ये रिटर्न्स हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट्स व्हाई। इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एस कैसे हुआ अगर समझना है, मेरा एक वीडियो है पीछे मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पे, वहाँ पर आपको डू डज का सारा कहानी मिल जाएगा, कैसे क्यों से आया। नेक्स्ट, अभी ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन ये बंगाली में लिखा हुआ, मेरे स्टूडेंट ने लिखा है, और इसको मैं हिंदी में भी बोल के जाऊँगा तो ताकि दोनों लैंग्वेज के बच्चों को समझ में आए। मेटी शुधु बुद्धिमती नॉय मेधावी हो, लड़की केवल बुद्धिमती नहीं मेधावी भी है। तो इस सेंटेंस को हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो से यूज़ करते हैं, बट हम लोग सेंटेंस क्या लिखेंगे, मेटी, दैट मीन्स हम पर्टिकुलर गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। द गर्ल इज नॉट ओनली बुद्धिमती, यानी लड़का बुद्धिमान, लड़की बुद्धिमती, इंटेलिजेंट, सो हो गया द गर्ल इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो नाउ मेधावी मतलब मेरिटोरियस, इसको याद रखना, मेधावी यानी मेरिटोरियस, ये काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, कुछ और लिख कर आ जाते हैं।
अभी आया जे छेले टी परीक्षा प्रथम हुए छे शे आमार छोटो भाई। मेरा बंगाली प्रोनाउंसिएशन बड़ा गंदा है, सो आई होप यू विल कोप अप विद इट। जो लड़का परीक्षा में प्रथम आया वो मेरा छोटा भाई है, दैट मीन्स मैं वो निर्दिष्ट पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ। सो द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन इज माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई है। भद्रलोकटी दीर्घदिन धरे एक हाईस्कूले शिक्षकता करछेन, अर्थात मैं एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ जो जेंटलमैन काफ़ी दिनों से एक विद्यालय में काम कर रहे हैं। दैट मीन्स एक्शन जो स्टार्टेड अर्लियर स्टिल गोइंग ऑन, दैट मीन्स जो काम पहले शुरू हुआ अभी भी चल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी द जेंटलमैन हैज़ बीन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, हैज़ बीन नाउ शिक्षकता यानी टीचिंग एक्टी हाई स्कूले एक हाई स्कूल में यानी इन ए हाई स्कूल नाउ दीर्घोधुन धोरे काफ़ी दिन से दैट मीन्स फॉर मैनी डेज। नाउ सिंस ना होकर फॉर क्यों हुआ? जब सिंस होगा तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम सिंस 2002, सिंस 1999, सिंस हिज बर्थ, सिंस दैट, जब सिंस मंडे, सिंस डेट, एग्जैक्ट टाइम होगा तब सिंस होगा। मैनी डेज ये क्या होगा? ग्रुप ऑफ टाइम है। जब ग्रुप ऑफ टाइम मैनी डेज, टू मंथ्स, टू ईयर्स, टू वीक्स, तो ग्रुप ऑफ टाइम हो जाएगा, तो फोर लगा देना। आगे चलते हैं। अमर ठाकुमा बोलें माता पितार आदेश अमान्य करते नहीं। मेरे जो ग्रैंड मदर हैं उन्होंने कहा कि माता पिता के आदेशों का अमान्य नहीं करते। तो देखो काफ़ी बार टेस्ट पेपर में ये देखा जाएगा कि बांग्ला का मीनिंग कुछ और आ रहा है और हिंदी का मीनिंग कुछ और आ रहा है। यहाँ पर लिखना, अगर मैं हिंदी लिखूँ, मैं माता पिता के आदेश अमान्य करना नहीं चाहिए ये बोल रहे हैं, जबकि सेंटेंस का डिमांड ये एक इम्पेरेटिव है। सेंटेंस का डिमांड बोला माता पिता के आदेशों को अमान्य नहीं करते, तो नहीं करते तो वी शुड नॉट, लेकिन यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है तो हम इम्पेरेटिव में जाएंगे, तो आ जाएगा माई अमार, मतलब माई ठाकुमा, इट्स ग्रैंड मादर, ग्रैंड मादर बोलें, दैट मीन्स पास्ट टेंस, सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा, ने कहा था माता पिता के, तो माता पिता आदेश, डोंट नाउ डिसोबे द आदेश ऑर्डर्स ऑफ योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के आदेशों को अमान्य नहीं करते, डोंट डिसोबे द ऑर्डर्स ऑफ योर पेरेंट्स। आगे बढ़ते हैं। वृद्धोलोक्ति तार में के बोलें तुमी की गतकाल बाजारे गए छिले, वयस्क व्यक्ति ने लड़की को कहा था तुमी की गतकाल, क्या तुम कल बाजार गए थे? सो द ओल्ड मैन, क्योंकि मैं पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ तो दा हो जाएगा डेफिनेट आर्टिकल, द ओल्ड मैन तार में के यानी अपनी बेटी को, उनकी बेटी को, टोल्ड सेड, सॉरी डायरेक्ट स्पीच है, सेड टू हिज डॉटर, अपनी बेटी को कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, तुम्ही की माने इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, गतोकाल यानी पास्ट टेंस, डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे, सो हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डिड यू गो टू मार्केट, जैसे डिड लग जाता है वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म आ जाता है, इस बात का याद रखना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिस्टम है।
लास्ट हो गया रोहिम रोमेशेर मोतो लोम्बा नोए, यानी रहीम रमेश के जैसे लंबा नहीं है। दैट मीन्स ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, उसका सेट नंबर 3 पे देख लेना, मेरा वीडियो है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोज़ और आई थिंक ऑफ माई चैनल, आपको दूसरा या तीसरा या चौथा वीडियो में आपको मिल जाएगा शायद, एक बार देख लेना आपको मिल जाएगा। रहीम रमेश से ज़्यादा लंबा नहीं है। सो लिखते हैं रहीम इज नॉट एज टॉल एज रमेश, रहीम इज नॉट एज टॉल एज रमेश। सो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, आगे भी और टेस्ट पेपर्स डाला जाएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो माई फेसबुक पेज एंड डू कमेंट। Thank you. Have a nice day.